आप जब कभी भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, यानी कि आपका चैनल किसी भी कैटेगरी में है और जब आप अपनी वीडियो बनाते हो, तो वीडियो बनाने के बाद जब आप वीडियो को अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आती है कीवर्ड रिसर्च की बारी। कीवर्ड रिसर्च इट मीन्स कि आप टाइटल में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, टैग्स में कौन से कीवर्ड्स डालेंगे ताकि हमारी वीडियो भी सर्च में आए, हमारी वीडियो भी रैंक करे। मतलब कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी उस वीडियो का, यानी कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए सही कीवर्ड डालना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारी वीडियो भी अच्छे तरीके से YouTube पे रन कर पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि हम अपने स्मार्टफोन से ही किस तरीके से एकदम से फ्री में कीवर्ड रिसर्च करें और उन कीवर्ड्स को अपने वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में लिखें, डालें ताकि हमारी वीडियो भी रैंक करे, हमारी वीडियो भी अच्छे तरीके से YouTube पे रन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जब भी कभी भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने के बाद आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीज़ें आप करो ताकि आपकी वीडियो अच्छे तरीके से रन कर पाए यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप रिसर्च करो ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से परफेक्ट वे में हो पाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे, कीवर्ड्स फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो खुद यूट्यूब है। ठीक है, खुद यूट्यूब है। वो ऐसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी कोई भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आपने जैसे बनाया हुआ है कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल विथ स्मार्टफोन, यानी कि आपने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आपने ये बताया है कि अपने स्मार्टफोन से एक यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर के लिखना है हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल विद स्मार्टफोन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने स्मार्टफोन से YouTube चैनल कैसे बनाएं। ठीक है, ये जब चीज़ें आप सर्च करते हो वहाँ पे लिखते हो तो जैसे ही आधे ही चीज़ें आप लिखोगे, आधे कीवर्ड्स ही आप लिखोगे तो उसके नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उन कीवर्ड्स में से जो सबसे नंबर वन पे आता है, जो सबसे नंबर वन पे लिखा हुआ कीवर्ड आता है, उसी कीवर्ड को आप अपने टाइटल में डालें। ठीक है, और जो चीज़ें हम टाइटल में डालते हैं उसको सेम टू सेम कॉपी करके हमें डिस्क्रिप्शन में भी डालना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो कीवर्ड्स और आपको दिखाई दे रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप ले जा करके अपने टैग्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, टैग्स में भी उन चीज़ों को आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको हर एक कीवर्ड को पढ़ पढ़ के देख करके टाइप करना होगा, हर एक कीवर्ड को देख करके टाइप करना होगा, यानी टाइप करके वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, वहाँ पे आप चाहो कि सारी चीज़ें, सारे कीवर्ड्स एक साथ कॉपी कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी नई वीडियो बनाओ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो तो उसको आपको यूट्यूब पर एक बार ज़रूर सर्च करना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखने से पहले। ठीक है, और जब आप इस चीज़ को सर्च करें तो दो लैंग्वेज में ज़रूर सर्च करें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको सर्च करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने वीडियो में बताया हुआ है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो आप ये पहले लिख करके सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स आएँ, तो मान लीजिए कि पहला कीवर्ड है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो ये अगर पहले रैंक पर आ रहा है तो उसको टाइटल में हम पहले लिखेंगे। ठीक है, टाइटल में आपको पता है कि 100 कीवर्ड्स हम लिख सकते हैं, पहले उसको हम लिख देंगे, उसके बाद हम उसमें ऑब्लिक डाल करके फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हिंदी वाली। अगर आप अपनी वीडियो हिंदी में बनाते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं तो जब आप अपना टाइटल लिखें तो उसको दो लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में भी लिखें और हिंदी में भी लिखें। ठीक है, तो हिंदी में कहने का मतलब हिंदी वाला कीवर्ड नहीं, जो हम चैट में हिंदी यूज करते हैं लिख करके उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, आप पहला कीवर्ड क्या लिखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल विथ स्मार्टफोन, और दूसरा उसी में कीवर्ड होगा कि अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं या फिर स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल बनाना सीखें। ठीक है, तो आपने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप नई वीडियो बनाओ, उसको जब अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करते टाइम पहला जो है रिसर्च आपको कीवर्ड्स के लिए खुद यूट्यूब पे ही करना है। ठीक है, और उसमें जो भी कीवर्ड्स दिखे उनको अपने टाइटल में डालो, जो फर्स्ट वाला है, फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसमें से कुछ एक कीवर्ड्स को आप लिख सकते हो, मतलब कि उससे मिलते जुलते और कीवर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं
और टैग्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी जो चीज है वो है keywordtool.io। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है keywordtool.io। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, आपने जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाया है उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पे भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। वहां पे डायरेक्ट आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। और इस वेबसाइट की एक और खास बात है कि आपको इस पे इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब, अमेजोन या फिर ट्विटर के लिए टैग्स हैं वो उन सबको आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट हमें यूट्यूब के लिए चाहिए तो हम अपना कीवर्ड लिखेंगे कि एक नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए या फिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, सिर्फ इतना ही लिखकर जब हम सर्च करेंगे तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपको जो जो कीवर्ड पसंद आए, जो जो कीवर्ड आपको सही लगे, उन कीवर्ड्स को डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं और कॉपी करके डायरेक्ट आप अपने टैग वाले सेक्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। और अगर इन चीज़ों को आप कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब इन कीवर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे वहाँ पे हर कीवर्ड के लास्ट में एक कॉमा रहता है, तो आपको उस कॉमा को हटा देना है। मतलब कि आप अगर कीवर्ड लिखते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो आप जितने चाहो उतने कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में जो भी आप कीवर्ड लिख रहे हो उसमें लास्ट में कॉमा लगा हुआ नहीं चाहिए, यानी कि कॉमा नहीं रहना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जब भी कीवर्ड्स की जरूरत पड़े तो आप इस वेबसाइट से भी अपने लिए कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तो जो तीसरी चीज़ है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है टैगयू। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो टैगयू आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, उसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। और टैगयू में अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो वो सिंपल से आपको वहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप लिखेंगे वहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी एक फ़ायदा है कि आप वहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी करके अपने वीडियो में ले जा करके उन्हें पेस्ट कर सकते हैं अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या फिर टैग्स में, ठीक है। और टैगयू की एक और खास बात यह है कि आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो दिखाई दे रही, मतलब कि कोई भी वीडियो चल रही है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टैग्स यूज किए गए हैं तो सिंपल से आपको उस वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेना है और उस लिंक को ले जाकर के जब आप टैगयू में पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे वो सब कुछ शो होगा, यानी कि उस वीडियो में कौन कौन से टैग यूज किए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको टैगयू वाले एप्लीकेशन में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैगयू वाले एप्लीकेशन में भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें भी किसी भी तरीके का कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई कीवर्ड रिसर्च के लिए, पहला यूट्यूब, दूसरा keywordtool.io वेबसाइट और तीसरा टैगयू एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन तीनों के थ्रू आप अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और कीवर्ड रिसर्च करके ही अपनी वीडियो के टाइटल को लिखें, डिस्क्रिप्शन को लिखें और टैग्स में भी उन्हीं कीवर्ड्स को डालें ताकि आपकी वीडियो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, आपका चैनल ग्रो कर पाए, आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आए और आपको सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मिल सके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके के और सवाल रह जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अब वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पे तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके ही सारी चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। Thanks for watching.